जहां हाल ही में अभी तनुश्री और नाना पाटेकर का विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वहीं अब विकास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल साल 2015 में बनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशन टूर के दौरान फिल्म के क्रू में शामिल एक महिला ने विकास बहल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं अब बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने इस महिला का सपोर्ट किया है और कहा कि मैं इस महिला पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। जब हम फिल्म क्वीन की शूटिंग कर रहे थे तब भी विकास शादीशुदा थी, लेकिन वो रोजाना नए पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का जिक्र करते थे। मैं लोगों को जज नहीं करती, लेकिन आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि जब एक आदत बीमारी बन जाए। ये भी बताया कि विकास बहल शादीशुदा होने के बावजूद सेक्स की बातें किया करते थे। कंगना का ये भी आरोप है कि जब विकास पब्लिक में उनसे गले मिलते थे तो जरा जोर से गला मिला करते थे, मेरे बालों को सूंघकर कहा करते थे कि मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। दरअसल कंगना से पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म की एक महिला कर्मचारी ने डायरेक्टर विकास बहल पर गोवा टूर के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का दावा है कि शिकायत करने के बावजूद भी विकास पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला के आरोपों को अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सही ठहराया है। हालांकि इस मामले में विकास बहल का कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी।